आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इस वाले वॉल्वो 9600 में, जिसमें कि बस होस्टेस हैं। आपका हमारे बस पे स्वागत है। जैसे मैंने बुकिंग किया था ना, थोड़ी देर बाद मेरे को कॉल किया था कि सर आप मील में क्या लेंगे, वेज या नॉन वेज। हर स्लीपर पे जो इंडिविजुअल टीवी है, साथ में दे रखे ईयरफोन्स। मजे यार, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ। यहाँ पे जो है ना आर्मीनिया का एक एग रोल मिला हुआ है। यहाँ पे जो है ना गाइस, पूरा माइक से अनाउंस करें कि वेलकम ऑन बोर्ड इजी बस, फिर कैप्टन का नाम बता रहे हैं। तो ढाबे वाले ने लगवाए आई लव पौधो तिरतो। डिनर जो है ना एकदम बेकार था, बट क्या ही हालत हो रखा है रोड का, सारी ट्रक सारी बसें फंसी हुई हैं। यहाँ पे जो है ना गाइस पंक्चर ठीक कर रहे हैं अभी। जो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। हाँ, अगर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट सीरीज खत्म करके अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। फिलहाल मैं हूँ सिलीगुड़ी में एंड आज हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम सिलीगुड़ी टू कोलकाता। वैसे तो वॉल्वो 9600 की वीडियो आपने बहुत सारी देखी होंगी, मगर आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है सबसे ज्यादा लग्जूरियस, क्योंकि इस बस को चला रहे हैं इजी राइड वाले, जो कि मैं मानता हूँ फिलहाल वेस्ट बंगाल के सबसे ज्यादा प्रीमियम ऑपरेटर बन गए हैं। देखिए, वॉल्वो 9600 अपने आप में एक ब्रांड है, उसके ऊपर पर्सनलाइज्ड टीवी, ईयरफोन्स, स्नैक बॉक्स, और स्नैक बॉक्स भी ऐसा नहीं कि एक नमकीन और एक चिप्स दे दिया, वैसा नहीं। उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा इनोवेशन है जो इंडिया में पहली बार आया है वो है बस होस्टेस। जैसे फ्लाइट में होती है एयर होस्टेस, वैसे ही बस में है बस होस्टेस। तो वो बिल्कुल एक अलग इनोवेशन लेके आए हैं इस वाले रूट में। वैसे तो इसी रूट में वॉल्वो 9600 आप देख लीजिए, बहुत सारे हैं, शामोली, ग्रीन लाइन, लोकनाथ, रूबी, कोई ऑपरेटर ऐसा नहीं होगा जिसके पास ना हो, सब ने ले रखी है। मगर जो बस मैं आपको आज दिखाऊंगा ना, वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। फिलहाल मैं हूँ सिलीगुड़ी के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड के पास में, यहीं पे है मेरा बोर्डिंग पॉइंट, पीछे मेरी बस खड़ी है एंड राइट नाउ द टाइम इज 5:44। जो डिपार्चर टाइम है बस का वो शाम के 6:30 बजे है। फिलहाल मैं दिखा दूं, ये है इजी राइड का ऑफिस, सामने ही जो है बस खड़ी है। पहले बस का जो है एक एक्सटीरियर लुक दे दिया जाए, यहाँ पे देख सकते हैं इजी राइड। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इस वाले वॉल्वो 9600 में, जिसमें कि बस होस्टेस हैं। अगर साइड प्रोफाइल बस का देखें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, मरून के ऊपर जो है स्टार्स बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कौशिक रोड किंग, प्रोबेबली जो ओनर है उनका नाम है। एंड यहाँ पे इजी राइड का बहुत ही अच्छा सा बैजिंग। मैं तो फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बस के अंदर जाने के लिए। एंड अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बस है अपनी वॉल्वो की मल्टी एक्सल 15 मीटर की बस है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पीछे दो एक्सल हैं, ये नॉर्मल वाला है एंड ये स्टीयरेबल वाला एक्सल है। एंड हर एक बर्थ में जो यहाँ पे टीवी दे रखा है। अगर बोर्डिंग पॉइंट की बात करें तो तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे यहाँ पे इजी राइड का ऑफिस है। एंड फिलहाल ना यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह चल रहा है, तो बस को एक बार बोर्ड करके आपको दिखाते हैं इंटीरियर्स। ये रहा इनका एक छोटा सा वेटिंग लाउंज, अगर आप बस के पहले आ गए हैं तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। एस्प्लैनेड। तो गाइस, सामान मैंने नीचे रखवा लिया है, अब चलते हैं बस के अंदर। सो बस के आप इंटीरियर्स देख लो कितने ज़्यादा कमाल के हैं। इसमें आपको मिल जाता है 2x1 का स्लीपर कॉम्बिनेशन, फुल स्लीपर बस है। यहाँ पे अगर एक स्लीपर में आपको दिखाऊँ ना, हर स्लीपर पे जो इंडिविजुअल टीवी है, साथ में दे रखे हैं ईयरफोन्स, यहाँ पे आपका पिलो है, यहाँ पे आपका ब्लैंकेट है, कर्टन्स है, इमरजेंसी एग्जिट तोड़ने के लिए हैमर, यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड आईफोन्स, प्लस यहाँ पे मोबाइल होल्डर एंड यहाँ पे रीडिंग लैंप्स, एसी वेंट्स जैसे रहते हैं। इस वॉल्वो बस के जो इंटीरियर्स हैं ना वो बिल्कुल ही कमाल के हैं। ऑल्सो जो मुझे स्लीपर मिला है ना आज, एकदम सेकंड लास्ट रो में है, बट खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्वो में। लास्ट रो में थोड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसका जो हेडरूम है ना वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं। ये है मेरा स्लीपर, दिस इज नंबर 34। एंड ये टीवी वगैरह सब कुछ मैं आपको इन डिटेल दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले यहाँ पे सर्विस डिफरेंस बता दूँ, जैसे मैंने बुकिंग किया था ना, थोड़ी देर बाद मेरे को कॉल किया था कि सर आप मील में क्या लेंगे, वेज या नॉन वेज। तो मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि शाम को बस स्नैक्स रहता है, एग रोल देते हैं या फिर वेज में जो पनीर या नॉर्मल वेज है। तो मैंने बोल दिया था कि एग रोल कर लेना। सो बहुत ही एक बढ़िया इनिशिएटिव है। अभी डिनर हॉल्ट रात को लेते हैं, कुछ पैसेंजर्स हैं जो पहाड़ों से कहीं से आए, गैंगटॉक, दार्जिलिंग से, टाइम नहीं मिला खाने को, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी अम्यूनिटीज़ वगैरह और भी बहुत कुछ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक सर्विस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बस के सामने ना 4 बस हॉस्टल्स हैं जो कि आपके सीट तक असिस्ट कर रहे हैं, फिर बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ़र्क दिखता है कि प्रीमियमनेस ऑफ सर्विस क्या होता है। बाकी खैर शुरू करते हैं जर्नी, अभी डिपार्चर में काफ़ी टाइम बचा है। वैसे
अच्छा गाइस, एक बारी ना बस का ड्राइवर कैबिन देख लेते हैं तो कुछ इस तरह सा है। वॉल्वो आपको पता है कि जो स्लीपर वर्सन से वो सारी ऑटोमेटिक शिफ्ट है, आई शिफ्ट, प्लस यहाँ पे फायर अलार्म, सीसीटीवी कैमरा, ये जो सारा डिस्प्ले वो, एंड ये कुछ है अपना कैबिन। जो इसका डैशबोर्ड है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। जस्ट वेलकम टू इजी राइड बोल दीजिए। इजी राइड। थैंक यू सो मच। अच्छा बता दूं, अगर आप पूछे कि टीवी को कंट्रोल कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक बर्थ लैंप है एंड यहाँ पे एक रीडिंग लैंप भी है, एंड यहाँ पे गाइस है टीवी का रिमोट। यहाँ पे देख सकते हैं होम बटन है, बैक बटन है, यहाँ पे सारे कंट्रोल्स है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है। ये जो रिमोट वाला चीज़ है ना, ये पूरा वुडन फिनिश है, एंड साथ में टीवी पावर ऑन ऑफ के लिए बटन, एंड साथ में ईयरफोन। टू बी ऑनेस्ट, टीवी तो बहुत बसों में रहता है मगर ईयरफोन्स ऐसे हर कोई नहीं दे पाता। एंड इसमें एक और चीज़ है जो कि किसी नॉर्मल एयरलाइन की टीवी में भी नहीं रहता, बहुत ही प्रीमियम जो एयरलाइंस होती है ना उनके टीवी में होता है कि आप उस टीवी में ब्लूटूथ में जाके अपना ईयरफोन्स एयरपॉड्स कनेक्ट कर लो, इसमें वो है। सोच लो कितना ज़्यादा खर्चा करा है, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये बस है। एंड वॉल्वो को अगर आप बोलो ना तो वो ऐसे ही कस्टमाइज़ करके देता है, जैसे टीवी हो गया, ये हो गया, या फिर कुछ और चीज़ हो गई, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई वो हो गया, सीट डिस्प्ले हो गया। तो ये टीवी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड सिलीगुड़ी रूट में ये कॉन्सेप्ट पहली बार है। सो एनीवेज, अपना डिपार्चर टाइम हो चुका है। बता दूं आज हम कवर कर रहे हैं समवेयर नियर टू 550 किलोमीटर्स, एंड हम अभी 6:30 बजे शाम को निकलेंगे। कल सुबह 7 बजे तक हम कोलकाता में होंगे। बस का ड्राइवर, बस के अटेंडर और जो भी हमारे बस होस्टेस हैं उनका यूनिफॉर्म बहुत सही है। यहाँ पे जो इनका कमर्शियल चल रहा है, कमर्शियल देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। ये बेसिकली वेलकम वीडियो है। यहाँ पे जो है ना इनका वेलकम म्यूजिक बज रहा है। टाइम इज़ एग्जैक्टली 6:30। हम यहाँ से सिलीगुड़ी से निकल रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद अपना रूट हो जाएगा बागडोगरा, इस्लामपुर, किशनगंज, डालखोला, रायगंज, मालदा, फराक्का, भौरमपुर, कृष्णनगर होके कोलकाता। सब कुछ ठीक रहा, रोड में कोई जाम नहीं रहा, तो सुबह पहुँच जाएंगे आराम से। यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन वाले देख रहे हैं। यहाँ पे जो है ना गाइस, पूरा माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि वेलकम ऑन बोर्ड इजी बस, फिर कैप्टन का नाम बता रहे हैं, तो बस वाली फीलिंग आ ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि किसी फ्लाइट में बैठा हूँ। बाकी यहाँ से सिलीगुड़ी से निकलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मेन जो कैबिन राइड्स वगैरह वो मैं आपको हाईवे पर जाके दिखाऊंगा। बाकी देखते हैं और क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। फिलहाल यहाँ पे टीवी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे पहले ब्लूटूथ का ऑप्शन है जिसमें आपको ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, फिर है यूट्यूब, फिर है OTT, फिर है कुछ न्यूज़ चैनल्स वगैरह, कन्नाडा में भी है। तो यहाँ पे यूट्यूब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना ही अगर चैनल सर्च करूँ ना, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे जैसे मेरा चैनल आ गया है, एंड कई सारी बस जर्नीज हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सीमा ठाकुर जी वाला वीडियो चला के देखते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे ऐसा एक अम्यूनिटी जो कि इस रूट पे एटलीस्ट कोई भी ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं करता, बहुत ही बढ़िया वाला स्नैक बॉक्स दिया गया है। दिस इज़ फ्रॉम आर्मेनिया, एंड कॉल करके पूछते हैं वेज नॉन वेज का ऑप्शन। एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे जो है ना आर्मेनिया का एक एग रोल मिला हुआ है, एंड जो वीडियो बाहर से देख रहे हैं बता दूँ आर्मेनिया हमारे वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है बिरयानी, कबाब, रोल, इन सब में। पहले शायद चिकन देते थे, अब एग रोल दिया है, बट हाँ है तो बहुत बढ़िया। साथ में एक 500 ml पानी का बोतल, एंड एक जो है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दिया हुआ है। यहाँ पे भाई सौरभ भाई की वीडियो देख रहे हैं, नेपाल वाली। मज़े यार, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ, बहुत ही मज़ेदार सर्विस। अब ऐसा है कि है तो आपके मोबाइल में भी, आपके पास भी नेट है, मगर ये सब जब रहता है ना एक फील आता है कि कुछ प्रीमियम से आप ट्रैवल कर रहे हो। सो फिलहाल हम ना बागडोगरा क्रॉस करके आ चुके हैं हाईवे पे, एंड फेयर बता देता हूँ आपको। आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ही सर्विस है, बहुत ज़्यादा फेयर होगा। 550 किलोमीटर्स के लिए बहुत ही मिनिमल फेयर है, दैट इज़ 1100 rupees। यूजुअली कहीं भी स्लीपर वॉल्वो 9600 के लिए 3 से 4 rupees पर किलोमीटर होता है, जो कि यहाँ पे 2 rupees पर किलोमीटर है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एंड कोलकाता साइड से आएंगे तो मिनिमम फेयर इज़ 1500 rupees, वो यूनियन का फिक्स है कि उससे नीचे आप आ नहीं सकते। तो यहाँ पे सिंगल बर्ड्स का ना प्राइस 1100 है, एंड जो डबल वाले हैं उनका प्राइस 1000 है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो ट्रेन का थर्ड AC है ना उसके बराबर का प्राइस है, बट कम्फर्ट थर्ड AC से ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंड अभी ना ये OTT प्ले चेक करते हैं कि इसमें क्या है। YouTube तो खैर देख लिया हमने, इसमें जैसे ना शार्क टैंक, फिर ये सब यार बहुत कुछ है।
12 घंटे की जर्नी ना काफी कम है ये टीवी कंप्लीट करने के लिए। न्यूज व्यूज भी है, मैचेस भी है, स्पोर्ट्स भी है, किसी चीज की जो यहाँ पे कमी नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन है ना, तो मैं उस टीवी से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे इन्होंने ईयरफोन्स दिए हैं, मगर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, कभी कभार थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आ रहा या एक ही चल रहा है। ये यूज एंड थ्रो वाला है, तो अपना कनेक्ट कर लिया। एंड ये सिस्टम बहुत सही है कि आप अपना कनेक्ट करने का ऑप्शन दो, क्योंकि आजकल ना सारे लोग ये एयरपॉड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भैया शार्क टैंक देख रहा हूँ। इस जर्नी का ना अलग ही मज़ा है। इस बस का जो ये नाइट लैंपिंग है ना, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ऑलराइट गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 एंड हमने जस्ट इस्लामपुर बाईपास क्रॉस किया है। ये जो है ना, दिस इज़ नेशनल हाईवे 27। इसमें बेसिकली हम डालखुला तक जाएंगे एंड फिर हम लेंगे NH-12, जो कि पहले NH-34 थी। NH-34 का ना अपने आप में बहुत ज़्यादा नाम था ख़राब रोड्स के लिए, जो कि अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। नहीं, बाकी हमारी बस जो है ना 80 km/h पर लॉक है। बाकी जितनी भी बसें इस रूट पर चलती हैं वो सारी 100 है, एंड कुछ जो है बहुत तेज़ भी चलती है 110-115 पे। आई गेस कि हम रात को 10 बजे अपना डिनर ब्रेक लेंगे। बाकी ब्लैंकेट तो ठीक है, एवरेज क्वालिटी का है, मगर मुझे इनका पिलो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा। बस ये एक चीज़ की कमी लगी, जो वॉल्वो वाले पिलो है ना, मेरे हिसाब से वही कवर चढ़ा के दे दिए। ये बेसिकली मेरा फीडबैक है फॉर इजी राइड, कि पिलो थोड़ा बढ़िया दो। यहाँ पे जी वैसे हमारी जर्नी इंट्रा स्टेट ही है, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर ही, मगर थोड़े से टाइम के लिए हम बिहार में एंटर होते हैं। तो अभी हम बिहार के किशनगंज को पार कर रहे हैं। बाकी बिहार क्योंकि एक ड्राई स्टेट है, तो यहाँ पे बॉर्डर्स में ना हल्की फुल्की चेकिंग लगी रहती है कि कोई ज़रूरी सामान स्टेट के अंदर ना ले आए। ऑल राइट गाइज, रात के 9:10 हो रहे हैं और हम ले रहे हैं अपना डिनर ब्रेक। यहाँ पे मूवी को पॉज कर देते हैं। खट्टा मीठा चलाया था, मज़ा ही आ रहा था। हम पहुँचे हैं गाइस डालखोला नाम के जगह पे, एंड यहाँ पे वॉल्वो बसेस का अलग ही मार्केट है। यहाँ पे शैमोली, वहाँ पे हमारी पीछे एक्सप्रेस लाइन। एक्चुअली मैं ये बस ले लेता ना तो मैं सुबह 6 बजे घर पहुँचता। अभी मैं वो लेके कोलकाता जा रहा हूँ, फिर ट्रेन लेके आसनसोल जाऊँगा तो 11 बज जाएंगे। सर्विस को एक्सपीरियंस करने और ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, एंड इसमें मेरे को सिंगल स्लीपर भी नहीं मिल रहा था। बट खैर, जो लुक्स है ना 9600 का, वो काफ़ी अलग है। आगे हैं हम BPCL घौर ढाबा में। BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम, जो पंप का मालिक है उसी ने अपने पंप पे एक ढाबा खोल दिया। एंड डिनर के लिए ये ढाबा बढ़िया है, बट इसके वॉशरूम वगैरह ना बहुत गंदे रहते हैं। मतलब यूजुअली नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में देखो ना, दिल्ली साइड हो या फिर एकदम चेन्नई बैंगलोर साइड, वॉल्वो बस है ना इतनी गंदी जगह पे नहीं रुकती। हमारे यहाँ पे ये पता नहीं क्यों यही है। कुछ जाके अपन छोटा मोटा डिनर करते हैं लाइट में। यहाँ पे वॉल्वो का लोगो गायब हो गया, बट खैर कोई नहीं। यहाँ पे जो है ना चाय मिल रही है, मोमो मिल रहा है, चाउमीन मिल रहा है। यहाँ पे ना गाइस डिनर के बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब एक तरफ आपका मोमो फ्राइड राइस का स्टॉल है, एक तरफ ही जो थाली का सिस्टम है वो अलग से कर रखा है इन्होंने, वेज थाली, चिकन थाली,
रोटी थाली। यहाँ पे तो इन्होंने पूरा बुफे लगा दिया एक एक आइटम का साथ में रोटी। तो यहाँ पे है फिश है, चिकन है, पनीर है, दाल फ्राई है, दाल तड़का है। तो मैंने एकदम सिंपल बंगाली डिनर लिया है, रोटी हैन एक तरह का। ये जो है ना कुछ इस तरह का है, गर्मा गर्म रोटियाँ हैं एंड साथ में एक तरह का। एंड यहाँ पे मीनवाइल बसों का और लाइन लग गया है। ये देख लीजिए, ये है एक्सप्रेस लाइन की वॉल्वो 9600 सीटर स्लीपर। ऊपर स्लीपर है, नीचे सीटर है, बट ये कॉम्बिनेशन मुझे पसंद नहीं आता इतना। रेवेन्यू वाइज अच्छा है बट मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि हेडरूम थोड़ा कम हो जाता है। बाकी काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन अच्छा है, हनीकॉम सीट्स हैं एंड दिस बॉडी इज बिल्ड बाय प्रकाश। बाकी ये देख लो, ये है रूबी परिवहन। परिवहन का मतलब बंगाली में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रैवल्स होता है। बात करें डिनर की, डिनर जो है ना एकदम बेकार था, मतलब खाने लायक नहीं था। जैसे जैसे मैंने दो रोटी ख़त्म करी, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए बट क्या कर सकते हैं, एकदम ही बेकार है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने पनीर कुछ लिया था वो शायद अच्छा था, ये पता नहीं एकदम, मतलब ना नमक है ना कुछ है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, आप कुछ और ट्राई करो, मोमो चाउमिन नूडल सब कुछ है। एंड आज थर्सडे, फिर भी टेक अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वॉल्वोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं बाकी की जर्नी। थोड़ी बहुत मैं कैबिन राइड आपको रात को भी दिखाऊंगा। एंड अभी देख लो, 20 मिनट्स का ब्रेक हमारा ख़त्म हो गया। ये लाइट्स की लुक ही अलग है। ऑल्सो गाइज, जो हमारे बस में दो बस हॉस्टेस थे ना, वो बैक प्रोग्राम में उतर गए हैं। वो डेली वैसा ही चलता है, उनका वैसा ही ड्यूटी रहता है कि वेलकम वगैरह करके, स्नैक्स वगैरह दे के फिर जो है वो उतर जाते हैं, बोथ फ्रॉम कोलकाता साइड एंड दिस सिलीगुड़ी साइड। उधर से जो है 12-7 में उतरते हैं एंड इधर से जो है बाग प्रोग्राम में। एंड ऑब्वियसली उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा जो है 12-14 घंटा ऐसा ड्यूटी करे, ऐसे में जो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा बस ओनर को, इसलिए उनकी जो है एकदम शॉर्ट ड्यूटी है। एक्चुअली ना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि साड़ी वगैरह पहन के इतना लॉन्ग ड्यूटी करे, इसलिए वही ठीक है। उनके लिए जो है बर्थ भी ब्लॉक करना पड़ेगा, जो बस ऑपरेटर के लिए बेसिकली एक रेगुलर लॉस है। सो वो सब ना करके उनका ड्यूटी वही है कि वेलकम वगैरह करके, स्नैक्स दे के वो एक जगह पे उतर जाएं। थोड़ा बहुत कैबिन राइड लेता हूँ, थोड़ा टीवी देखता हूँ एंड थोड़ा आराम भी करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा चला हुआ हूँ मैं। रात के हो रहे 10:30, हम क्रॉस कर रहे हैं रायगंज। गुड मॉर्निंग गाइस, 3:15 इन द मॉर्निंग हमने ले लिया है अपना सुबह का बायो ब्रेक, टी ब्रेक कृष्णनगर पे। ये है होटल पोथो तीर्थो। रात को इतनी बढ़िया नींद आई ना कि मैं सोते ही रह गया बिल्कुल। यहाँ पे खड़ी है हमारी बस एंड साइड में भारत बेंच। देखिए भारत बेंच हमारे साथ साथ ही चल रही है। तो ये वॉल्वो लॉक है, बस ये दिक्कत है थोड़ा। एंड इसका ना बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, ये आई लव के आगे जो भी रहता है, तो ये ढाबे वाले ने लगवाया आई लव पोथो तीर्थो। एंड यहाँ पे ना एक बहुत फेमस मिठाई है, वो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ एक बार। टेम्परेचर हियर इज 18 डिग्रीज, कुछ दिन तो 0-, इन सब में भी रहा, अब तो खैर मौसम ठीक लग रहा है। यही है यहाँ का फेमस मिठाई, छोड़ भाजा बोलते हम तो।
गाइस सुबह के जो है 6 बज रहे हैं, हम पहुंचे हैं हरिणघाटा और यहाँ पे ना लंबा ट्रैफिक लग रखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो NH12 है ना, इसका ये लास्ट वाला काम ही बचा हुआ है यहाँ से, मतलब कृष्णनगर से कोलकाता के बीच ये जो 4 लेन होना है ना, इसके कुछ ब्रिजेस वगैरह ये सब बच रखे हैं। बट क्या ही हालत हो रखा है रोड का, सारी ट्रक सारी बसें फंसी हुई हैं और यहाँ पे बस की टायर की हालत देख लो, टायर पंक्चर हो गया। एंड हम इस जाम में ना बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, मतलब मेरे साइड में 5 पैसेंजर्स थे जो कि जागुली उतरने वाले थे, तो कुछ टाइम पहले उनको बुला के लेके गए कि जागुली आ रहा है, आप लोग रेडी हो जाओ, आ जाओ। ये वाली जो NBSTC की बस है ना, ये तो पीछे ही मुड़ गई कि कुछ और प्लान करते हैं। तो मैं आराम से कुछ देर नींद लेने के बाद उठ के देखता हूँ कि हम जाम में फंसे हुए हैं एंड वो 5 पैसेंजर्स गेट पे खड़े हैं। तो सोच लीजिए कितना लंबा जाम है। यूजुअली काफ़ी कम टाइम ही शायद मैं बंगाल के वीडियोस हिंदी में बनाता हूँ। सो ये देख लो हमारे वेस्ट बंगाल के नज़ारे, ये सारी बसेस ना पीछे से कहीं और से जा रही है। यहाँ पे जो है ना गाइस पंक्चर ठीक कर रहे हैं अभी, वो पंक्चर जो हो गया था और ये पता नहीं टायर के नीचे क्या लगा है, आई गेस ताकि बस हिले ना। ऑल राइट गाइस, सुबह के जो है 8 बज रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं बारासात। काफ़ी लेट ही हो गया कह सकते हैं, थोड़ा सा टायर पंचर की वजह से, थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से। एंड देखिए बस 80 पे लॉक्ड है, इससे ज़्यादा वैसे तो टाइम का फ़र्क पड़ता नहीं, एट मैक्स 80 और 100 में इस पूरे रूट में आधे घंटे का फ़र्क आएगा। बट वो ये कि गाड़ी अगर थोड़ी थोड़ी लेट हो जाती है ना, तो यहाँ पे सुबह ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अपन कृष्णनगर पार कर देते ना, थोड़ा रोड छोटा हो जाता है, लोकल एरिया ज़्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सुबह निकल जाओ ना, तो ज़रा सा भी टाइम नहीं लगे, मगर अभी क्योंकि मार्केट वगैरह खुल जाता है तो टाइम लगता है थोड़ा। एंड एक और चीज़ है कि जब भी गाड़ी 100 रहता है ना, तो अगर लेट हो भी गया तो थोड़ा मेकअप करने का चांसेस रहता है, जो फिलहाल इस केस में नहीं है। बाकी यार बस तो बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, जो लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट है एस्प्लैनेड, वहाँ तक जाने में 1 घंटा और लगेगा। ऑल्सो ना अच्छे से आपको कैबिन राइड नहीं दिखा पाया, क्योंकि कैबिन में ऑलवेज ड्राइवर के साथ 2 और स्टाफ थे, तो जब भी थोड़ा कैबिन भरा हुआ रहता है मैं जाता नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो खड़े हो जाए मेरे लिए, मैं वो नहीं चाहता। फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे इस रूट को एंड सीटर गाड़ी में करेंगे, ताकि वीडियो करने में कोई परेशानी ना हो। बाकी मुझे जो सुबह ट्रेन पकड़ के आसनसोल जाना था, वो तो अब हो नहीं पाएगा, मुझे लगा था कि सुबह के 11 बजे पहुँच जाऊँगा, बट अभी हो नहीं पाएगा। सुबह इसके बाद ना और ट्रेन है नहीं, अब फिर वही शाम को है, तो घर पहुंचते मुझे रात हो जाएगा। क्या ही बताऊं, काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र, SUFFER। जस्ट गाइस, जस्ट 2-4 सेकंड के लिए एक फ़्लाइट मिस हो गया, जो कि पारो जा रहा था, मतलब थोड़ा और आगे होते ना तो मिल जाता। ये रहा अपना कोलकाता एयरपोर्ट, वो देख लो वहाँ पे एक फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। ये देख लो गाइस इंडिगो की एयरक्राफ्ट, जो कि अभी अहमदाबाद से आई है, और यहाँ पे एयर एशिया का VT-80 है जो टेक ऑफ कर रही है। ओहो क्या बढ़िया व्यू मिला यार, किस्मत सही होना चाहिए बस। मेरे हिसाब से ये जो वेट वाइब्स होती है ना, ये एक शाम को और एक सुबह देना चाहिए था, थोड़ा बस रिफ्रेशिंग लगता है इससे। ये तो खैर मेरे ओमान एयर ने दिया था, तब से बैग में पड़ा है। ऑलराइट गाइस, फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 9:25, हम एस्प्लैनेड एंटर हो रहे हैं, तो लगभग 2 घंटे लेट हो गए हम। एंड जब तक ये लास्ट का रोड पैच ठीक नहीं होता, तब तक ये लेट थोड़ा बहुत किसी भी दिन हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, अगर आप इस रूट पे जर्नी कर रहे हैं तो ऐसा अलाइन करके कोई फ्लाइट या ट्रेन मत रखिए। हाँ आज का तो रास्ता अवस्था रहो ना कि करा जाता। सो फाइनली उतर गया हूँ एस्प्लैनेड, यहीं पर L20 बस स्टैंड, मैं फिलहाल जा रहा हूँ मेट्रो लेने। एक और अच्छी चीज़ है इनकी कि जब बैग आपको देते हैं, लगेज टैग मैच करके देते हैं। सो एनीवेज बात करें अगर फीडबैक की, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा फीडबैक है वो ये कि पिलो जो है वो अच्छा वाला होना चाहिए। मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया एक्सप्रेस लाइन के साथ, उनके पिलोज काफ़ी बढ़िया हैं, जो वॉल्वो वाला पिलो है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है।
ये मेरा फीडबैक है, इसको चेंज करो, फिर बाद में ये वेट वाइप्स और ये सब तो ऐड होता रहेगा। ये है मेट्रो गेट नंबर 7 एंड यही है अपना एस्प्लैंड का बस स्टैंड। एंड लेट जो है रेगुलर बेसिस पे होता नहीं है, आज हो गया, बाकी शायद बहुत व्यूअर्स है पैन इंडिया से, क्योंकि मैंने बंगाली में ना इस रूट का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया। मैं बता दूँ ये है हमारा L20 बस स्टैंड एंड यहीं से सारी बसें चलती हैं, मतलब रोड साइड वाला सिस्टम ही एक तरह से। बाकी कोई और फीडबैक है नहीं, यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग, बस वही एक कि पिलो थोड़ा सही कर दो, बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। खास करके इस रूट पे तो मैं बोल ही सकता हूँ कि ये जो है ना बेस्ट बस है। और एक्चुअली मुझे आज सुबह ही घर पहुँच जाना था 6-7 बजे, बट वो खैर हो नहीं पाया। जो भी है, फिलहाल मैं ले रहा हूँ 1:10 का ट्रेन। एक ना यहाँ पे मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है बैरकपुर में, बिरयानी वहाँ का मतलब ऐसा है कि मतलब ज़िंदगी मेरी चलती नहीं उसके बिना, तो वो पैक करा के लेके जाऊँगा। तो अभी मेट्रो से मैं जा रहा हूँ दमदम, फिर वहाँ से बैरकपुर, फिर शियालदाह होके आसनसोल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।